क्या है आज की डेट? 18 फरवरी 2023. इम्पोर्टेंट टू अनाउंस द डेट इन द बिगिनिंग सो दैट जो बच्चा पार्टी बाद में देखते हैं तसल्ली से एक के बाद एक सीरीज टू कंटिन्यू विद द स्टोरीज, डेवलपिंग स्टोरीज, करंट अफेयर्स, एनालिसिस, आर्टिकल्स, उनको ध्यान में रहे कि किस डेट का ये. सो वैसे थंबनेल में भी डाला हुआ हमने डेट. दिस इज 18 फरवरी and 2023, and abhi we will start with the newspaper analysis. ठीक है. So first of all, a very happy, very very happy Mahashivratri to all of you. ठीक है. Yeah, let me put out the voiceover and this ads that come. So friends, good to see you. Good to see you early morning. अर्ली तो नहीं है बट ठीक है. यू कैन डू साइकिलिंग, रनिंग, फिजिकल फिटनेस, डू योर मॉर्निंग योगा, जो भी करना है वो सब आप कर सकते हैं. और उसके बाद यू कैन कम एट 10:30. इफ दिस टाइम इज ओके विद यू ऑल, वेरी गुड. इफ यू वांट अ चेंज तो मुझे बता देना. आई कैन इवन डू इट इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग. बट मुझे लगता है सुबह एक थोड़ा सा डोज मिल जाए मोटिवेशन का तो वो सही रहता है. पूरे दिन आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है. मेरी बैटरी चार्ज होती है मॉर्निंग न्यूज एनालिसिस से, मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग साइकिलिंग से. फिर पूरे दिन के लिए हम बिल्कुल टनाटन है. ठीक है. चलो तो हैप्पी महाशिवरात्रि टू ईच वन ऑफ यू एंड वी विल स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर एनालिसिस. और आज कहाँ है बाकी बच्चे जो रेगुलर आते हैं? रेगुलर वाले बच्चा पार्टी कहाँ है? अच्छा, कुछ लोग आए हुए हैं. एंड कल थोड़ा सा वो लाइव में ग्लिच हो गया था. आई होप माई साउंड इज ओके. मुझे जरा साउंड कन्फर्म करो. इफ माई ऑडियो video I can see is okay. I hope my audio is also okay. या मैं ही देख लेता हूँ. हाँ बिल्कुल सही है. I am using this new mic. Okay, चलो तो any guesses for which paper we start today? Any guesses? हाँ आज क्या है सौरभ भैया? He last time he guessed it right. Anyway, so we will start without waiting for answers. We will start with the Indian Express. ठीक है. ये पेपर बहुत बढ़िया पेपर है. इट्स वेरी गुड फॉर यूपीएससी, सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट, सीडीएस, एनडीए, एफकैट, एनी क्लास 1 गवर्नमेंट जॉब्स इफ यू आर एमिंग फॉर, देन दिस इज द पेपर. इट हेल्प्स यू मेक वेरी गुड ओपिनियंस, वेरी गुड ओपिनियंस. एंड आप मार नहीं खाओगे किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी करंट अफेयर्स के एग्जाम. ठीक है. तो विल स्टार्ट विद दिस. एंड इसमें आज तो काफी न्यूज है मेरे पास. फ्रंट पेज से ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज ऑन द फ्रंट पेज आज मैंने टिक किया हुआ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस न्यूज ऑन द अडानी हाइडनबर्ग इशू व्हिच इज गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट. PIL इज इन द सुप्रीम कोर्ट. सो गवर्नमेंट हैड सेड विल गिव यू अ सील्ड एनवेलप. ये सील्ड एनवेलप सिस्टम वाज नॉट एग्जिस्टिंग मेनी इयर्स अर्लियर. नाउ मेनी केसेस ड्यू टू द कॉन्फिडेंशियलिटी या जो है, lot of judge reports are given to the judges in sealed envelope कि भी दिखाना मत किसी को, आप अपने चैम्बर में जाके देख लेना. But nice of the court, Chief Justice of India, he says no. It involves the investment of people. It involves transparency. तो ये तो आप open में बताओ आप किसको चाहते हो पैनल में. So उससे clear हो जाएगा कि which are the people the government wants on this panel on this. So this is चीफ जस्टिस का बेंच विल अपॉइंट ओन पैनल टू सजेस्ट नेम्स टू. सो दे से हम अपना पैनल बना देंगे. सुप्रीम कोर्ट कैन पिक अप एनी एक्सपर्ट. उनको कौन मना कर सकता है? देन देयर इज अनदर न्यूज. सोरोस टारगेट्स प्राइम मिनिस्टर, बीजेपी हिट्स बैक, वांट्स प्लायबल गवर्नमेंट. सो दिस इज अनदर हिट ऑन द अडानी ग्रुप वेयर आई विल डिस्कस विद यू इन डिटेल. वेयर मिस्टर सोरोस हु इज अ बिलियनर, ही हैज बीन गिविंग अ टॉक समवेयर एंड समवेयर ही मेंशनड very briefly in that he's talking of Russia-Ukraine war, yes, up there, and then briefly he discusses the situation in India and this Adani Hindenburg issue. तो ये इस पे आगे आर्टिकल भी है, एडिटोरियल है, बहुत अच्छा बताऊंगा आपको. BBC tax survey, 3 days in the BBC offices in Bombay and Delhi, has the department claims they have found irregularities. So that's okay. Whatever unearthing of crucial evidence has been done, then those people must be prosecuted. Now, this is another big news, developing news. You are aware of the Maharashtra crisis. About a year back, when one faction with all the MLAs moved to Gujarat and then took a flight to Guwahati and they brought down a government. The case is still in the Supreme Court. It's a very, very complicated case where there's a no confidence motion against the speaker, but after that, the speaker decides on something else, and one chunk of the party goes away and to form a new government and leaves the chief minister and others on the in dry docks. So this is the Election Commission has given a judgment that the symbol and the real party is the breakaway group that has been given this. But the case is in Supreme Court. Let's see. This will still continue. Important from Indian politics, important from anti-defection law. ये anti-defection law इसलिए बनाया था कि आयाराम गयाराम नाउ. ये आयाराम गयाराम की कहानी हरियाणा से शुरू हुई थी sometimes in 1980s कि you could switch parties अपनी मर्जी से. Then came the anti-defection law. But now they found a way to get around the anti-defection law also. Another news, ये भी एक developing story है. This also talks of how Delhi must be governed, and what is the politics around Delhi. Delhi is a union territory with a legislature, but with very, very curtailed powers as far as police, land, and many other things. So finally, Supreme Court has said, keep polls karao, and those which are nominated by LG, they cannot vote because election ही नहीं लड़के हैं. वो election ही नहीं लड़े, उनको तो nominate किया घर से कि जी आप आ जाओ इसमें councillor बन जाओ. So Supreme Court has given this judgment that they cannot vote. So now there'll be fresh elections for the mayor of Delhi. We don't have a mayor in Delhi in spite of elections having taken place a couple of months back. Then there is another news here. Generally, I don't cover crime, but this is cow vigilantes. Which there's a death of two people in their car. They have been burnt alive in the car near Bhiwani, and the charge is that it is these people who vigilante groups which were targeting them. So very sad if you can take somebody's life in this day and age. And yesterday I was speaking on Mahakaruna. Yesterday I spoke on Mahakaruna. Mahakaruna is compassion. This is Buddhist philosophy of compassion. So compassion day manaya jata hai, Mahakaruna Devas. So they had invited me. So I was in the Morarji Desai Institute, National Institute of Yoga. वहाँ पे houseful था एकदम. I'll share pictures on social media. आप देख लेना. वहाँ मैंने यही कहा. मैंने कहा biggest compassion is to love fellow Indians. सबसे बड़ा compassion है कि irrespective of caste, creed, religion, you must start with love and affection for fellow Indians. So that is the biggest compassion. Then of course we will move to the so this is that entire thing with a car burnt, charred body, skeletons inside, very horrific, then I'll cover this. I've been covering every Saturday. Neerja Chaudhary, she's a very, very senior journalist. Has covered last 10 Lok Sabha elections. So she's a political commentator also on what is happening in India, and both frankly she writes. So she says, you see the heading, Modi government caught between foreign hand and foreign handshake. So ye badi duvida hai ki anything happens. Aur aaj se nahi hai, pehle bhi jab hum 70s mein bacche the, kuch India mein hota tha to we used to blame foreign hand. So we are very sensitive. So BBC documentary came, we said foreign hand. Hindenburg report, we said foreign hand. Now Soros has spoken, we say foreign hand. That these are forces we want to destabilize India. India is too big. We are a civilization with 5,000 years of recorded history. And we are a landmass which is as big as a subcontinent. We are a continent itself. With EEZ running into millions of square kilometers. तो हमको कोई कैसे target करके हमें हिला सकता है? ये हमें कभी सोचना भी नहीं चाहिए. तो she has written कि you can trash the foreign hand and then also reach out to shake it. But then that handshake will always feel unsure. So if you become very sensitive, Oxfam ki report aati hai, hum sensitive ho jate hain. Hunger index aata hai, hum sensitive ho jate hain, galat hai. Education pe koi foreign ki study aati hai, hum kehte hain galat hai. So that you can't be then shaking hand in if you want to rise as a power. So some form of criticism we should be able to just gloss over it. We are a very big country. Theek hai? So this is what she writes ki foreign hand and handshake. Now we'll go to the editorial part. Yeah, here it is. आजकल एक्सप्लेन पहले आता है, एडिटोरियल बाद में आता है. तो वी विल गो टू द एक्सप्लेन देन मूव टू द एडिटोरियल. सो दिस इज एक्सप्लेन. आई थिंक द बेस्ट पेज ऑफ दिस न्यूज़पेपर. कुछ और ना मिले पेपर का, ये पेज भी अगर मिल जाता है एवरी डे, इफ यू जस्ट लुक एट दिस पेज and the editorial is enough actually. So here you can see we are having a lot of news. This is of course the Shiv Sena fight that is taking place for symbol, real party, and this is in Supreme Court from February 21st. This case will be heard. EC has decided in favor of the breakaway group. Now there are two reports. पहले ये सोरोस की देखते हैं. सोरोस द मैन, हिज एक्टिविटीज. दिस पर्सन इज अ बिलियनर, जॉर्ज सोरोस. ही हैज स्पोकन इन, एक्चुअली क्या है, ही इज नोन फॉर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, ठीक है. एंड ही वाज स्पीकिंग इन म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस. ही वाज स्पीकिंग इन म्यूनिक इन जर्मनी इन अ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस व्हेन यू नो ही इन हिज 40-minute स्पीच. ही इज अ हंगेरियन बॉर्न बिजनेसमैन reading out prepared speech, talking of climate change, Russia-Ukraine war, social tensions US, earthquake in Turkey, and Communist Party downturn in China. Is सारी चीजों पे he was speaking, and then he came on this and listen to what he says. He says India is an interesting case. You know क्या है कि जब group discussion में होते हो, कहीं interview में होते हो, कहीं lecturate में, if you give a good view like this, you know, India is an interesting case. You know, ऐसे करके बोलोगे तो it catches the eye of the you know assessors. He says India is an interesting case. It's a democracy, but its leader is not a democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in the rise. Then he talks of, then he moves to Modi and business tycoon Adani are close allies. Adani is accused of stock market manipulation. तो ये इन्होंने he has been convicted of trading. So he is not a very clean guy. He's been convicted of trading, insider trading. Convict हुआ है उसमें ये बंदा. And is a mega Democratic Party donor, and he donates to the Democratic Party. Then we have a very interesting article. This is almost everyday developing. This is on the chatbots aren't sentiment, but here's why it seems they are. This chatbot AI, ChatGPT, इस पे बहुत काम हो रहा है, and Microsoft seems to be taking a lead in this with this upgraded Bing, इनका जो सर्वर है या सर्च इंजन है उसके ऊपर. So they are saying people initially thought chatbots have sentiments. तो जैसे कि chatbot का कोई sentiment नहीं है. It will give you the results that you desire, but there is no human in the loop. So ये interesting है. AI पे तैयार रहो आप, artificial intelligence पे, ChatGPT पे और chatbots पे, इन quantum technology पे, you know, ड्रोन्स के ऊपर. ये आपको इंटरव्यू में और इवन इन दी ग्रुप डिस्कशन इन लेक्चरेट सच टॉपिक्स आर गोइंग टू कम, ठीक है. देन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ऑन द स्पेशल मैरिज एक्ट. स्पेशल मैरिज एक्ट, ये देखो नीचे स्टोरी है. फिल्म एक्ट्रेस हैज गॉट मैरिड टू अ पर्सन ऑफ अनदर फेथ. सो अटेंशन हैज बीन ड्रॉन टू दिस स्पेशल मैरिज एक्ट. सो दिस स्पेशल मैरिज एक्ट, जब मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्लास ली थी, अभी भी देख लेना, वो सबसे जबरदस्त धमाकेदार क्लास अवेलेबल है मेरी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अनअकैडमी के ऊपर. तो उसमें मैंने समझाया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में कौन सी चार चीजें आती हैं, एंड व्हाई इट्स नॉट दैट इजी, एंड व्हाई दिस एक्ट वाज मेड इन 1954. हमारी गवर्नमेंट ने तब सोचा था 1954 में कि व्हाट अबाउट इंटरफेथ कपल्स, उनकी शादी कैसे होगी. सो दिस स्पेशल मैरिज एक्ट हैड कम टू प्रोटेक्ट एंड टू रेगुलराइज मैरिज ऑफ इंटरफेथ. तो जहां पर नॉर्मल मैरिज में आप किसी भी रिलीजन में करते हो, यू कंसिडर गॉड एज अ विटनेस. हियर इट इज द कोर्ट्स. सो यू गो टू द कोर्ट एंड यू गिव, देयर इज अ वार्निंग पीरियड ऑफ 1 month, 2 months. यू हैव टू पेस्ट दिस थिंग, सेंड इट टू द पेरेंट्स कि भी कोई ऑब्जेक्शन है किसी को इनकी शादी में, एंड देन द कोर्ट सेज किसी को ऑब्जेक्शन है, आप आ जाए. सो यू साइन इन अ रजिस्टर. सो दिस इज स्पेशल मैरिज एक्ट. इट्स कॉल्ड SMA. It was passed by Parliament on October 9, 1954. Governs a civil marriage in which the state, rather than religion, sanctions the marriage. तो कमाल की बात यह है कि बाकी जगह religion sanction करता है marriage, यहाँ पे state sanction करता है. State, Government of India. तो यहाँ Government of India sanction करती है आपकी marriage. So you go to a magistrate and sign and you are married. So issue a personal law. पर्सनल लॉज में हमारे देखो हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है, तो एंड सम रिलीजन्स like Buddhism, Sikhism are covered under the Hindu Marriage Act, Hindu laws. So personal laws such as marriage, divorce, adoption are governed by religious laws that are codified. These laws such as Muslim Marriage Act 1954, Hindu Marriage Act 1955 requires either of the two spouses to convert to the religion of the other before marriage. So agar Hindu Marriage Act mein aapne interfaith karni hai, to the other person must convert. Same is Muslim law. Imagine देखो 1954 में देश आजादी हुआ था, तब पार्लियामेंट वाज पासिंग दिस फार रीचिंग लॉज और यू नो, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं इसको पढ़ता रहता हूँ. तो स्पेशल मैरिज एक्ट एनेबल्स मैरिज बिटवीन इंटरफेथ और इंटरकास्ट कपल्स विदाउट ईदर ऑफ देम हैविंग टू गिव अप देयर रिलीजियस आइडेंटिटी और कन्वर्टिंग. इसमें आपने कोई कन्वर्ट नहीं करना, आप अपना सरनेम रखो, अपनी पूजा पाठ, अपनी इबादत जैसे करनी करो. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ. So who can get married under SMA? He says the applicability of Act extends to all faiths, including Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Jain, Buddhist across India. So anyone who falls in love with some other person of some other faith must use this SMA and get married. ठीक है, ये बढ़िया act है, इसको use करो. ठीक है, डरना नहीं है. So इसमें क्या procedure है वो दिया हुआ है. तो this is also connected to Uniform Civil Code. जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये लगता है शादी सारी की सारी स्पेशल मैरिज एक्ट में होगी कि भाई आप पहले रजिस्टर करो अपनी मैरिज. चलो अच्छी बात है, यंग बच्चों को ये चीजें बतानी चाहिए थोड़ी थोड़ी कभी कभी. ओके, नाउ वी कम टू द एडिटोरियल. एज आई से दिस इज अ वेरी वेरी नाइस पेज एकदम एक्सप्लेन्ड के पीछे. ठीक है, तो इसमें द वेजेस ऑफ सिनिज्म, देन द प्रोटेस्ट टेस्ट, द घोस्ट ऑफ टीपू, ये तीन चीजें मैं आपके साथ कवर करूंगा. Pratap Bhanu Mehta, he is a regular writer. He is the ex-vice chancellor of Ashoka University. तो ये काफी बेबाक ढंग से लिखते हैं. तो he is writing on the wages of cynicism. Ukraine war has become a sideshow for rest of the world, which may be sleepwalking into a disastrous future. So he says ये जो Ukraine war है, अब एक साल हो गया, and there is no sincere effort by anyone to bring peace. There is no major effort by the United Nations, by G20 or G77 or NATO or America or anyone for that matter to bring these two warring nations to peace table. So he says as balloons hover over US and the US ships circle around China, there is an analogous danger. The US is creating an alliance to deter China, a coalition that more effectively brings power to China's doorstep. Like with NATO expansion, will this security coalition actually deter China or convince it that there is a threat here to be answered preemptively? Preempt. Can the delicate needle between deterrence and offense be threaded? कितना बढ़िया लिखते हैं, मजा आ जाता है पढ़ के. Can the delicate needle between deterrence and offense be threaded? The Chinese are engaged in price discovery to see what they can get away with. So the risks of direct conflict are escalating. So this US thing कि पहले उन्होंने जो है USSR को breakup करने में पूरा they kept fighting all over. Then they dominated, they broke, USSR broke away. Then they defeated the Russian army in Afghanistan. बहुत बुरी तरीके से. They helped establish Taliban, CIA, Taliban, Pakistan army. They destroyed the Red Army and made them. उसके बाद they themselves invaded after some time. And then they have been supporting Israel, doing all kinds of things. And now NATO expansion has continued even after fall of USSR. So he says, will this escalate into something more dangerous? When will China act against US preemptively, or they will wait? So ये बहुत interesting article है, The Wages of Cynicism by Bhanu Pratap Mehta. Then of course this is the protest test. This is on the Tehran foreign minister cancelling his visit to India for the Raya-Sina Dialogue. मैंने बताया था Raya-Sina Dialogue 3 और 4 मार्च को है. Because of a promo event का promo release करते हैं publicity के लिए, उसमें वो hair cutting दिखा दिया और उनकी फोटो दिखा दी. उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला इसको हटाओ. इंडिया ने कहा नहीं हटाएंगे, ORF ने बोला नहीं हटाएंगे because the think tank and they have decided not to come. चलो कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे. Then is the ghost of Tipu. This is somehow Karnataka, a state where I've done my basic education from 5th to 12th standard, and I've been to almost all parts. I'm really surprised with the political discourse that takes place in coastal Karnataka. Pura hijab ro wahan shuru hua tha. UP mein nahi hua, Punjab mein, Haryana, Rajasthan mein nahi hua. It started in coastal Karnataka. And now this thing on trying to bring back legacy of Tipu Sultan and fight elections based on 200 years back. What happened 200 years back? It was 1789 when Tipu Sultan was defeated by the British. How he got defeated is beautifully written by a book by Mr. Gidwani on the sword of Tipu Sultan. Hum Tipu Sultan ko jante hain ki he was one of the only rulers in the world history who died fighting. He was a very brave leader and a soldier. Indian guy. He didn't come from, he's not a Mughal. He didn't come from Samarkand, Bukhara and Uzbekistan. Hyder Ali's son Tipu Sultan. Uske upar there is a politics. So the paper says the ghost of Tipu. Karnataka politicians ought to get the what about debate on poverty, on education, on inflation, on roads in Bangalore, water logging, drought, farmers issue. Kadar nahi Tipu Sultan. My God, this is India. And then of course there's an article by Mr. Raja. He's a general secretary of Communist Party out in the open. He is talking of the JPC, Joint Parliamentary Committee on the Adani Hindenburg issue. Now we come to the ideas page. Isme contrary ideas you will get. You will have people from both sides of the spectrum talking on this. So this is League of Their Own. This is by Menka Guruswamy. Menka Guruswamy, her father is a noted economist, Mohan Guruswamy, and she's a top lawyer in Supreme Court. So when she writes, I make it a point to read. She's writing on the Women's Premier League, WPL, and she says this must be celebrated. Now women players will also become rich and get money and play. Then, of course, Learning in an AI World. This is by Partha Chakraborty. Is a former director of IIT Kharagpur and currently professor at the Department of Computer Science and Engineering. So to be future ready, engineering students must learn to be more nimble, cultivate diverse ways of thinking and interacting. So he is an IIT professor. So jab ye likhenge to bhai padhna padega students ko ki learning in artificial intelligence world. So it should be more nimble, flexible, cultivate diverse ways of thinking and interacting. Ye students ke liye hai, theek hai. Now this is on the terror law, less arbitrary. This is on Ashish Khetan. He is with the Jindal Global Law School. He is writing on the UAPA. UAPA और AFSPA पे अगर कोई doubt है, तो मैं लेके आऊँगा अपनी current affairs series में और ये classes में बहुत ले चुका हूँ आप लोगों के लिए जब मैं पहले Unacademy के प्लेटफॉर्म पे था. धमाकेदार क्लासेस हैं एक से बढ़ के, ठीक है. बट आई विल ब्रिंग सम ऑफ दीज क्लासेस टू यू अगेन. नए बच्चे जो मेरे साथ ज्वाइन किए, आपको मैं करंट अफेयर से मरहूम नहीं होने दूंगा. आई विल एंश्योर दिस पार्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, करंट अफेयर्स, BOCC, BOAC, चीपेस्ट एंड द बेस्ट पॉसिबल प्लेटफॉर्म्स फॉर यू ऑल टू रियलाइज योर ड्रीम. इसमें कोई शक नहीं, जाके देखो ऑफलाइन की शॉप्स के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है. सो आई एम स्टक टू दिस इज एन एम्बिशन, कैसे आप लोगों को सही गाइडेंस देंगे. सो ये हम आ गए अभी द वर्ल्ड में. 11 डेज आफ्टर क्वैक अर्थक्वेक, मोर रेस्क्यूड सर्वाइवर्स फाइट अगेंस्ट कोल्ड, नन डेड, नो बिल्डिंग डैमेज, हाउ एरिजन सिटी विद, सो देयर इज अ सिटी वे वहां कुछ नहीं हुआ, बाकी काफी हुआ है. सो नाउ इट्स बिटर कोल्ड देयर, तो होमलेस पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम, बिल्डिंग्स आर डिस्ट्रॉयड. Of course, Indian contingent 60 parafield has earned a lot of laurels and we should be very proud of it. There is a mayhem in Karachi. Karachi, many years back I read, is the Beirut of our region. The amount of targeted killings that take place in Karachi, the dons, the underworld. Then there is a severe melting pot of the Pathans, the Punjabis, the Muhajirs, and the Sindhis. ये कराची के अंदर एक घिचड़ पिचड़ चलती रहती है. ऊपर से बलूच भी है. तो कराची is up, so 5 killed as TTP militants stop Karachi police headquarters. तो TTP जिसने कि who took on that camp, ठीक है, in North Waziristan, okay, and took on the Pakistan army. Now have taken on the Karachi police headquarters. So Karachi में पहले भी attack हुए, Al Qaeda ने attack engineer किए on the PNS Mehran जो उनकी naval base है, उस पर attack हुआ था आज से 10-12 साल पहले, devastating attack. So now they have attacked the police headquarters in Karachi. Very interesting news here is China, Russia, and South Africa are doing a exercise. It's doing a military exercise, so the world is watching. We are exercising with Japan. है ना, मैंने बताया था जापान से, इट्स अ प्लेटून लेवल एक्सरसाइज, कल शायद मैंने बताया था या बताना भूल गया, बता दो. आफ्टर वीक्स ऑफ लल, ईरान सिटीज अगेंस्ट हिट बाय एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट. तो ईरान में कुछ दिन शांति रही, पुलिस ने काबू किया, कुछ लोगों को मौत की सजा भी दी है, काफी लोग जेल में गए. अगेन द प्रोटेस्ट हैव हिट. ओवर 2300 फ्लाइट्स कैंसिल. ये लुफ्थांसा एंड जर्मन एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट एंड म्यूनिक, which has affected over 3 lakh passengers. These are very busy airports, Frankfurt and Munich. Frankfurt, I've flown through this couple of times. There is crisis in the German airline. Now here we this is the economic page. इसमें काफी कुछ आज cover करने के लिए. Google fires 450 staff. Twitter shuts 2 offices. India में 450 लोगों को गूगल ने फायर कर दिया. ओवरऑल ऑल द बिग टेक कंपनीज, नॉट ओनली गूगल, इवन Amazon, Microsoft, and many such big players have sent thousands of people back home. There is a news that more than 60 to 70,000 Indians working in US have been laid off. So ये है. So cutback spread in India also. Twitter ने 2 दफ्तर बंद कर दिए. ठीक है. Now we come to this. Russian oil imports touch record in January. So somewhere लग रहा है कि रशिया पे कोई sanctions का असर नहीं हुआ है, and they are able to sell oil, and we are one of the biggest buyers, and why not? Because our national interest. Neil Mohan, latest in list of Indian origin tech CEOs. So we have 4 tech CEOs: Satya Nadella, Sundar Pichai, Arvind Krishna, and Shantanu Narayan. And of course, latest is Neil Mohan of YouTube. Then of course बाकी है छोटी मोटी न्यूज. तो Netflix के CEO is here. CEO of Netflix is a OTT platform which is in competition with many Indian platforms in India. एक मेरा पेज गिर गया, देखता हूँ इसमें से कुछ है क्या काम का. No, this is nothing much. This is on cricket. Now we come to the Hindu. And again, I will not repeat the news. This is, of course, the sealed envelope. Chief Justice bench says no. Open में दो. Transparency होनी चाहिए. Financial problem है ये. Financial issue है. Survey at BBC offices found multiple irregularities, says Income Tax Department. Now we'll go to the editorial. And there are a few. This thing I wanted to read it out for you. Yeah, here we are. Yeah, this is the editorial. And here we have two nice editorials, and then we'll go back to the jumbo problem. So the first editorial, you can see it here. Nahi nazar aa raha to ye going off course. This is center suggestion on changes of MGNREGA. MGNREGA seem misguided. So MGNREGA has been there for 17 years. It is one scheme which puts some money in the hands of the rural poor. 100 days guaranteed scheme. इस पे कई बार हम कवर कर चुके हैं. इस पे मेरी स्पेशल क्लास भी है. So now center is trying to make changes कि states also must share the burden. So the paper is warning that please look at the rural poor. And this scheme is important. Funds must be made available for this scheme. Then is, of course, executive fiat. This is on Parliament should remain a forum for free debate and discussion. Here, the paper is talking of this expunction of remarks of the leaders of opposition on the Adani Hindenburg issue in the Parliament. He said, Parliament is one place which allows so much of freedom. So why are you restricting the freedom of people? Even if they may from any political party, but you can't gag them. So this is on the steps being taken by the speakers of both the houses to not allow any criticism, any severe criticism on this issue to go on the records of this. So paper is saying this is not correct. Then of course we have an article on the Taliban, and then we have a jumbo problem in Hassan district of Karnataka. यहाँ पे Allur, Bellur और Hassan के आसपास यहाँ elephants are roaming around. So this is a bigger issue of animal habitats. India has got one of the largest wildlife sanctuaries in the world. So many of them protected zones, but even then there is a conflict between the animals and the humans for space. So ये आता रहता है. Many times in many places elephants get overrun by trains because trains are running through their corridors. So underpasses बनाए जा रहे हैं animals के जाने के लिए. So do animals also have human rights? That is an issue. I think they do have, and they are equal citizens of India. है कि नहीं? जो भी animals हैं, है ना, mammals हैं या birds हैं या हम तो हैं, तो they also have human rights or they have animal rights, and they are equal citizens and equal partners in India. Then, of course, this is on the two judgments. This is Election Commission. This is Supreme Court. This is on the Soros remark. It is the one of the ministers says it is war to target India. Then, of course, MGNREGAs. Then, IT survey on BBC. This is another issue boiling up on the IOC signed a pact with Adani-owned group. So, ये भी अभी कुछ दिन के अंदर it may become a big news. Then center turns focus on key G20 meeting. More than 100 meetings of G20 group are going to take place. Different places all over India. Best time to showcase India. This is India-Japan exercise. Goes underway in Shiga. ये platoon level की exercise है. मैंने बताया था platoon level में 30 से 35 लोग. Company level 100 से 120 लोग. Battalion level 6 to 800 people. So that is मोटे तौर पे आप समझो platoon level means it's a small exercise. So गए हैं जापान में and they'll be there from February 14th to 16th. No, this exercise will go on till March 2. Article 370, which has been lying, no hearing in the court, is going to come up very soon for hearing in Supreme Court. Now, this is the word Zelensky seeks speedy supply of arms from allies. Russia to test missiles and drills with China and South Africa. So, ye hai. So here I finished the two papers. I am not covering the Times of India, though I have the paper here with me. Very thick paper being Saturday, but most of the news has been covered. अब मैं लूँगा आपके सवालों के जवाब. ठीक है? So give a thumbs up, Bachcha Party. Give me a thumbs up if and also like the session. Like the session, and yeah, let me any now you can ask any questions. Let me go up. Yeah, I hope you all are getting the Gen More magazine regularly on the Telegram channel. Abhi to army officers who are appearing for staff college part B, part D are also reading that magazine, Gen More magazine. Happy Janmashtami to each one of you once again. Subah maine sabko greet kar diya hai. Happy Janmashtami, sorry, Mahashivratri. Mahashivratri to all of you. Anand, yes sir, we can compassion as from army because there is Sarva Dharma Sthal. Yeah, हमारे तो सर्व धर्म स्थल होता है. पंडित, मौलवी, ग्रंथी, फादर, पादरी सब इकट्ठे बैठ के एक ही जगह पे अपना प्रवचन देते हैं और देश हित में देते हैं. फौज में बड़ा क्लियर है. हार्ड कॉपी तनु, हार्ड कॉपी में इट विल बी वेरी कॉस्ट दिस थिंग. वी विल हैव टू प्रिंट इट, वी विल हैव टू पोस्ट इट, तो फिर हमें चार्ज करना पड़ेगा. अब मैं फ्री दे रहा हूँ, एंड द टीम विच इज मेकिंग इट I pay them from my own pension. ठीक है. So hard copy के लिए आपको अगर चाहिए तो आपको खुद प्रिंट कराना पड़ेगा, या अगर बहुत से बच्चे चाहते हैं, अगर 100, 200, 500 कॉपीज की अगर डिमांड है, then I can look for an ecosystem and see what is the minimum. No loss, no cost, profit पे मिलेगा. तो let me see. ठीक है. चैट कैटबॉट नहीं, डी स्पीक्स चैटबॉट। चैटबॉट पढ़ लो इसके बारे में। शिवानी पांडे, ये जो बाइडेन की पार्टी का सपोर्टर है। अरे वहां पे यू कैन बी एनीवन सपोर्टर, यू कैन क्रिटिसाइज एनीवन, जो मर्जी बोल दो। यूएस में टोटल फ्रीडम है, ये सबसे बड़ा फ्रीडम है वहां बोलने का। कोई आपको जेल में आज तक क्यों बोला ऐसे, कोई आपको वो नहीं करेगा कि इसकी मर्जी, इसको मत सुनो, ये बुक लिखी इसकी मत पढ़ो, इसकी पिक्चर मत देखो। वहां पे ये कल्चर है। आनंद कल्याण, सर आई हैव आल्सो ट्राइड चैट जीपीटी एंड ऑब्जर्व्ड इट्स गुड थिंग बट वी कैन आल्सो जनरेट सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन एज आई ट्राइड लाइक अ फिशिंग मेल फॉर एक्सपेरिमेंट। ओके, आई हैव नॉट ट्राइड। अंकित सांगवान, जय हिंद। मनीष, मैरिज एडॉप्शन इनहेरिटेंस, ये वो है जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड कर रखी है। ये चार इश्यू पता ही नहीं। मैं कई बार मॉक इंटरव्यू में बच्चों से पूछता हूँ, अच्छा टेल मी अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। सर यूनिफॉर्म सिविल कोड दिस दैट ये। मैंने कहा विच आर द इश्यूज इन यूनिफॉर्म सिविल कोड। सर अरे मैंने कहा इश्यूज क्या है, पता ही नहीं सर, होना चाहिए बट पता है नहीं है कौन से चार इश्यूज हैं। ये चार इश्यूज मनीष ने समराइज करें। मैरिज कैसे होनी चाहिए, कैसे आप अडॉप्ट कर सकते हो। थर्ड चीज इनहेरिटेंस, थर्ड चीज है इनहेरिटेंस। एंड फाइनली सक्सेशन, कि आपके बाद कैसे होना चाहिए। लंदन में आज एक बहुत इंटरेस्टिंग केस डिसाइड हुआ है, लंदन में, ठीक है। एक सरदार जी, सिख इंडियन ऑफ इंडियन ओरिजिन, डाइड लास्ट ईयर इन 2021, और उन्होंने 5 साल पहले एक अपनी विल छोड़ दी जहां पर उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी अपने 2 बेटों को दे दी। पूरी वाइफ को कुछ नहीं दिया, 4 बेटियां कुछ नहीं दिया। सो वाइफ वेंट टू कोर्ट इन लंदन एंड शी इज एन ओल्ड लेडी। शी वेंट टू कोर्ट कि ये क्या मतलब है। तो कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसने इंडिया का सिस्टम अपनाया। तो इसने आज ही, मैं कहीं आज या कल पढ़ रहा था, तो लंदन कोर्ट हैज सेड दिस विल इज नलिफाइड, द प्रॉपर्टी मस्ट गो टू द वाइफ एंड टू ऑल इक्वल। तो हमारा सिस्टम है कि बेटों को दे दो, बेटियों को कुछ नहीं, शादी कर दी बहुत है, और वाइफ को भी नहीं देके गया बंदा, वाइफ को भी नहीं कुछ छोड़ा। वेरी सैड। सो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब आएगा तो सबके लिए बराबर हो जाएगा। Yeah, Virat, you are aware everyone's opinion changed after that class. अब लगता है yeah, army mules lover, how Pakistan became a failed state because of its failed policies. एक तो fight with India unnecessarily. How can you fight with a giant? अपने level के बंदों के साथ लड़ाई करनी चाहिए। But पाकिस्तान सोचा कि हम तो कश्मीर भी ले लेंगे, इंडिया को will bleed them by 1000 cuts. वो अपने आप ही। तो it's a full-time lecture I can take on Pakistan, why Pakistan fell apart. Full lecture ले सकता हूं कभी भी किसी forum पे। Today we all who are having girlfriend, boyfriend, please read the Marriage Act and be sincere also with your partner, ठीक है। Cynicism, please Google search करो, dictionary देखो, मैंने आपको दिखाई थी मेरी dictionary, please start using dictionary। दीपक कुमार, मेरी एसएसडी 27 मार्च को है, मैं ऑफलाइन एसएसडी प्रिपेयर करना चाहता हूं प्लीज। ऑफलाइन जाओगे रिजल्ट वही आधा परसेंट 1% है। क्यों पैसे बेकार कर रहे हो, क्यों पैसे बेकार कर। आई डोंट नो व्हाट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका करंट अफेयर्स कितना है। यू ज्वाइन द बीओएसी कोर्स स्टार्टिंग इन 2 days टाइम, 20 तारीख से पूरी असेसमेंट देंगे, बेटर देन ऑफलाइन कोर्स। पता नहीं क्यों आप लोगों को पैसे बेकार करने में अपने माँ बाप के मजा आता है। हाँ शिवानी, करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट ले रही है आजकल जबरदस्त, कि चाइना ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी कुछ दिन के लिए। आई थिंक टीपू सुल्तान इज किंग एंड ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया हु कीप्स फाइटिंग टिल लास्ट ब्रेथ इवन डिफीटेड सम टाइम। यस, ये ब्रिटिश ने जो हमको लूटा है, ये ब्रिटिश ने जो हमको लूटा है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम से स्टार्ट हुआ है। और किन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया, इंडियंस ने। ये सबसे बड़ी डिस्ट्रस्ट और सबसे बड़ा, जो मैं कहता हूँ, देशद्रोह हुआ है उन लोगों ने जिन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया। ये मार्क माय वर्ड्स, किस दिन ये वर्ड्स ये वो कर लेना आप, क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करके सुन लेना बाद में 20 साल बाद कि जनरल मोर कहते थे बात। ब्रिटिश वर द बिगेस्ट लूटर्स। लूट वर्ड सबसे पहला वर्ड है जो इंग्लिश में आया, जो इंडिया में आके सीखा। एंड दे किसी को रिश्वत दे के, किसी को कुछ करके, दे डिफीटेड द इंडियन किंग्स। सिराजुद्दौला को इन्होंने, जगत सेठ जो थे कलकत्ता के, उन्होंने पैसे दिए ब्रिटिश को कि हम पैसे देते हैं, तुम इनको हराओ किसी तरीके से। सिराजुद्दौला को टैक्स बहुत मांगता है, और फिर उन्होंने लूट लिया ब्रिटिश ने उनको, जगत सेठ को। ये पूरा का पूरा बुक के अंदर सेम थिंग हैपेंड विद टीपू सुल्तान। आई डोंट वांट टू नेम द पीपल हु सपोर्टेड द ब्रिटिश इन द फाइट अगेन। नहीं तो टीपू सुल्तान को हिम्मत नहीं थी ब्रिटिशर्स के हराने की। वन क्लास ऑन यूएपीए। अब मैं दोबारा लाऊंगा अपना करंट अफेयर्स कोर्स। मनीष कहीं मत जाओ, एएफएसपीए, यूएपीए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, फार्मर्स लॉ, जो आप कहोगे टॉपिक हर रोज मैं आपके लेके आऊंगा। No, I'm not teaching now on Unacademy, Tanu. Dipanshu, good. Yes. There's no good paper in Hindi because constituency, जहाँ जिस constituency को target करते हैं वहाँ पे वही local news चाहिए, कोई मारधाड़, crime, ये वो political है। तो thank God these papers like Indian Express, Times of India, Hindu, the Telegraph, the Tribune, they have survived. Deccan Herald, मैं बैंगलोर में वही पढ़ता था हमेशा, डेक्कन हेराल्ड, द बिजनेस स्टैंडर्ड। या दिस इज काजल, यू आर राइट। कोल्ड वॉर जब एंड हुआ तो नाटो शुड हैव बीन अबॉलिश्ड। जब वॉर्सा पैक्ट डिमोलिश्ड, वो बंद हो गया, तुम्हें क्या जरूरत थी एक्सपैंड करने की। जैग एंट्री कैसे करते हैं आर्मी में, प्लीज टेल मी। जैग एंट्री की स्टूडेंट हो, हमारी निकिता है, बहुत सीरियस स्टूडेंट, पिछली बार क्लोजली शी मिस्ड कॉन्फ्रेंस आउट। आई हैव 5 to 6 स्टूडेंट्स ऑफ जैग एंट्री हु हैव डन बीओएसी कोर्स। टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, पार्ट बी आई क्लियर्ड इन फर्स्ट चांस। पार्ट डी I think I cleared in 2 chances. These are promotion exams. पहले होता था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 एग्जाम होते थे फिर स्टाफ कॉलेज। तो पार्ट ए होता था प्रैक्टिकल एग्जाम लेफ्टिनेंट टू कैप्टन, पार्ट बी होता था रिटन एग्जाम लेफ्टिनेंट टू कैप्टन, पार्ट डी कैप्टन टू मेजर, पार्ट सी भी बीच में एक प्रैक्टिकल वो बंद हो गए, पार्ट ए और सी खत्म हो गए, बी और डी होते हैं। सो कैप्टन टू मेजर एंड नाउ मेजर टू लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए होते हैं। एंड देन यू हैव अ डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज एग्जाम which are, there are 6 papers, बहुत tough competitive exam होता है, where 1 in 5 is selected to go to staff college in Wellington and be a student there for 1 year. So I've done that course. फिर मैंने एक बांग्लादेश में भी किया, I've done 2 staff college. वो देखो ना, प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगी है बांग्लादेश के बाद, देखिए आप लोगों ने, दिखा दो, वो देखो बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर एंड देयर बांग्लादेश जनरल आई एम रिसीविंग एन अवार्ड। तो हमने वहां 2nd staff college किया। So, Amazon is महक, welcome, good to see महक। और Amazon ने काफी लोग फायर कर दिए। ये सब हुआ कोविड के टाइम, they hired extra और अब इनको लग रहा है इनकी तो जरूरत नहीं। ले ऑफ एट स्पीक, मनरेगा इज लाइन फॉर विलेजेस, सीट अवेलेबल इन बीओसीसी, यस, आई विल नॉट से नो, जरूरत पड़ी वी विल हायर मोर बट विल नॉट से नो। Ashfaq, Mustafa, Islam, humanity, Kazal sir, human right is subset of animal right, platoon is very small, 4th edition of Dharma Guardian, yes, that is okay. Deepak, तो आप BOAC course join कर लो। Good morning sir, I have SSB 23rd March TES, Kush Sharma, you can also join this course and get a good idea where you stand. Sir, upset feeling of Ladakh led by Sonam Wangchuk, we have covered it. I have been covering it whenever it has come in newspapers. इस पे भी एक दिन class लूँगा। Please don't forget to like the session. Virat, thank you very much. Please like and share. आपके इतने group हैं, WhatsApp group, आपके दोस्तों के, class के, इसके, family के, सबको भेजो, बोलो यार ये पढ़ लो तुम, थोड़ा सा ज्ञान आ जाएगा। न्यूज़पेपर एडिटर का नाम हमेशा पेपर के लास्ट में आपको पूरा मिलेगा, कौन पब्लिश करता है, कौन प्रिंट करता है, कौन एडिटर है, क्या टेलीफोन नंबर है, क्या ईमेल है, सब होता है। यस यू आर राइट, आर्मी स्टिल रिक्वायर्ड इन कश्मीर बट आई एम लुकिंग फॉर अ डे व्हेन आर्मी इज विड्रॉन फ्रॉम इंटीरियर एरियाज, वी आर ओनली ऑन द बॉर्डर एंड इंटीरियर एरियाज लोग घूमें फिरें, मस्ती करें, जो करना है करें, जैसे बाकी देश में होता है। थैंक यू अभी चौहान। अरे कोई काजल, इसमें कोई स्पाई नहीं होता है। अब प्लाटून लेवल के एक्सरसाइज में क्या स्पाई है, हमारा वेपन है इंसान, इसमें क्या स्पाई, सारा पता है, नेट पे गूगल कर लो इंडियन आर्मी के क्या वेपन है। ये पुरानी थिंकिंग थी हमारी। अब कोई स्पाइंग नहीं होती, क्या स्पाइंग कर लोगे? Brief analysis of Euro 2023. Okay. India and Pakistan Sir Creek. Very good question. ये पुराना issue चल रहा है because वहाँ ना पानी का course change होता रहता है. ठीक है, तो very difficult to put pillars in water. तो वहाँ थोड़ा dispute है. I'll take a class one day. Uniform Civil Code. Okay. महक गौर, I think I will take a class for you. एक दिन Zoom पे लेता हूँ आप लोगों को, पूरा कश्मीर समझाता हूँ आप लोग, कश्मीर पंजाब ये क्या है, इशू कब हुआ था. गुड, दिस इज कोल्ड वॉर 2.0 नहीं, दिस इज कोल्ड वॉर 4.0. 2-3 बार और कोल्ड वॉर हो चुका है. जीटीओ सेशन ऑनलाइन सबसे अच्छा है, कनिनिका मैम को सुन लेना आप. 46 सिलेक्शंस हैं हमारे. कल भी एक लड़की हमारी रिकमेंड हुई है हमारे कोर्स. जैग एंट्रीज, गुड एंट्री शिवानी, वेरी गुड एंट्री. यस राज बुरांडे, वेरी गुड क्वेश्चन. वी हैव टू बिल्ड ट्रस्ट अमॉन्ग फॉरेन इन्वेस्टर्स, तभी वो लेके आएंगे अपनी इंडस्ट्री इंडिया में. सुमेध लाकर, यस न्यू एमबीटी विद रशिया, आई डोंट नो, लेट्स वेट एंड वॉच. अर्पिता सिंह, एक्सट्रैक्शन ऑफ लिथियम विल टेक इट्स ओन टाइम, इट्स टेक इट्स ओन टाइम. मैंने इस पे इशू डिस्कस किया था, ये ओपन कास्ट माइन होंगी, कब किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कब निकलेगा, एंड द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर यू नीड एंड द अमाउंट ऑफ CO2 एमिशन दैट टेक्स प्लेस इज ह्यूज. तो उस पे एनवायरमेंटल कॉस्ट भी है, तो ये सारी चीजें हैं. शिवम पांडे, एवरीडे वॉच करो मेरा न्यूज. अच्छा शिवम पांडे, फिर शिवानी पांडे, वेरी नाइस. GTO is very much possible online. You finally need a good idea. You need a mentor जो आपको idea generate करने में help कर सके. And GPE, group discussion, lecturate, this is all can be easily practiced. बाकी कुछ नहीं है, ये group task वगैरह कुछ नहीं. दिमाग लगाओगे तो idea आ ही जाएगा, और वहां से copy लेके जाओगे idea, और वहां कहते 2 मिनट में पता लग जाता है ये coaching लेके आया हुआ बच्चा इतनी ज्यादा coached है कि you will only look for that जो आपने वहां देखा. CDS की तैयारी कैसे करें? पढ़ाई करो. थैंक यू कुणाल RDX, थैंक यू महक, थैंक यू अंकित, थैंक यू दीक्षा. अब लेके आऊंगा नई नई क्लासेस, लेके आऊंगा अपने प्लेटफॉर्म में. 3rd ईयर जैग एंट्री जरूर ट्राई करो शिवानी. Thank you Vipin, Jai Hind. Which TV channel? No TV channel. For current affairs, no TV channel, please. हाँ English improve करने के लिए. Why you leave Unacademy? किसी और दिन बताऊंगा. When we'll start? No, I may not start classes. Sir, conference doubt. Kush Sharma, never mind. Payment difficulties I have. अभिषेक कुमार प्लीज BOCC ज्वाइन करो सो दैट यू कैन राइट पेमेंट की सही स्पेलिंग PAY. NDA रिटन एग्जाम अपने आप पर प्रैक्टिस अपने आप करो, क्या सिलेबस लो अपने आप अपना पढ़ो. GSBs, yeah, आजकल restriction है on army officers using social media. They can use Twitter, but they can't use other social media. Yeah, उत्कृष्ट सही कह रहा है. Complete your basics from RS Agarwal, then solve PYQs and mock test. और क्या, हमारे टाइम पे कोई कोचिंग नहीं थी, कोई कोचिंग नहीं होती थी CDS NDA की, कमाल है. अब सारी दुनिया कोचिंग, क्यों? इतना जितना पैसा स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन पे लगाते हो ज्यादा पेरेंट्स कोचिंग में लगाते हैं, और इससे पर्सनैलिटी स्टंटेड, पर्सनैलिटी जीरो, कोचिंग 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 और पर्सनैलिटी जीरो. कुछ नहीं आता, पर्सनैलिटी जीरो, कैसे ले लेंगे वो एसएसबी वाले आपको। तो अनिल कुमार प्लीज ज्वाइन अस फॉर एससीओ कमीशन। मेरी ऐप का नाम मेरा ही नाम है। थैंक यू भूषण। प्लीज जितेंद्र सेंड ए मैसेज टू द नंबर गिवन, जो मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर आप मैसेज करो। डेली रूटीन कश्मीर पे बात करेंगे, सर क्रिक पे बात करूंगा। चलो थैंक यू। I will Jagan, I will start. I will start current affairs classes very soon. Durand line, Macmo line, Johnson line, McDonald line, सब पे बात करूंगा। अभी चौहान डोंट वरी। थैंक यू सुमेध, थैंक यू। चलो सो थैंक यू वेरी मच। बच्चा पार्टी इंडस वाटर पे भी बहुत बढ़िया क्लास ले आऊंगा। अंकित चौहान पूरा क्लियर, एक बार मेरी क्लास अटेंड कर लोगे, रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। वहां जाके अलग ही इंप्रेशन जमा करोगे एकदम। तो चलो थैंक यू वेरी मच। प्लीज वंस अगेन लाइक द सेशन, लाइक द सेशन, ऊपर लाइक बटन दबा दो और शेयर कर दो इसको, सो दैट मोर एंड मोर पीपल गेट टू नो। एंड इफ देयर आर गुड व्यूज देन आई विल ऑल्सो कंटिन्यू, है ना। मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो इतने बच्चे वो देखना चाहते हैं। एंड आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस में दोबारा स्टार्ट करूंगा, जस्ट गिव मी सम टाइम, ठीक है। हाँ एसएसबी फर्स्ट अटेम्प्ट क्यों नहीं निकल सकता रोहित, निकल सकता है, सब कुछ फर्स्ट, हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट टू यू एंड लव यू ऑल। एंड वंस अगेन हैप्पी महाशिवरात्रि, हैप्पी महाशिवरात्रि टू यू, योर पेरेंट्स, योर फैमिली एंड एवरीवन। Stay happy, stay motivated and keep working in right direction. ठीक है, thank you.